तो हमारा टॉपिक अभी तक यही चल रहा है यार, मोबाइल इज द एनिमी और क्वेश्चन मार्क के साथ, मतलब ऐसा है या नहीं, हम लोग डाउट कर रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं। आपको मालूम है जब हमारा देश आजाद हुआ था, कब हुआ था, 1947 में हुआ था। उसके बाद से हमारा पहला प्लानिंग कमीशन आया था, फर्स्ट प्लानिंग कमीशन में, इसके बाद भी 1951 में हमारे यहाँ पर स्थापना हो गई आपकी नीति, उसकी योजना आयोग की, आप तो नीति आयोग हो गया वही बदल करके। और 1953 में एक कमीशन बना था एजुकेशन पर, जिसमें यह बात की गई थी कि सीनियर सेकेंडरी मतलब कक्षा 11 और 12 वाले हमारे देश में 250 स्कूल बनाए जाने हैं। मालूम है पूरे देश में ये फर्स्ट प्लान के अंदर ये सोचा गया था, योजना थी कि हम लोग 250 ऐसे स्कूल बनाएंगे जहां पर कक्षा 11 और कक्षा 12 की पढ़ाई भी होती हो। ये हालत थी हमारे देश में। और हालत से ज्यादा मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये बताना चाह रहा हूँ कि जो शिक्षा में परिवर्तन हुआ है ना, आज सारे लोग सोचते हैं कि कक्षा 12 तक को पढ़ना ही है, वो इतना रिसेंट है यार, 70 साल पुराना है। 70 साल पहले हम लोग यहाँ ऐसी स्थिति नहीं हुआ करती थी। जब हमारा देश आजाद नहीं था ना, तो कक्षा 7 को मिडिल बोला करते थे, कक्षा 10 को मैट्रिक, कक्षा 10 को मैट्रिक तो अभी भी बोलते नहीं, कक्षा 7 को मिडिल बोलते थे, शायद कई लोग भूल गए होंगे। और देश जब आजाद नहीं हुआ था ना, 1900 की बात कर रहा हूँ, लगभग सन 1900 के आसपास कक्षा 7 पढ़ने वाले लोगों को तहसीलदार बना दिया था, जिन्होंने कक्षा 7 की पढ़ाई ठीक से कर ली, ठीक, क्योंकि इतना कम शिक्षा का स्कोप हुआ करता था। आज चीजें बहुत तेजी से बदलती चली आ रही हैं। तो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जिसको आप समझते हो कि कक्षा 12 तक तो पढ़ना ही है, ये चीजें बहुत ही रिसेंट हैं, बहुत पुरानी नहीं, हमेशा से नहीं चली आ रही है ना। और इसमें भी इंग्लिश का बहुत बोलबाला हो गया। किसका हो गया? इंग्लिश का। तो हमारे देश में जो लोग बहुत इंग्लिश बोलते हैं ना, उनको बोल देते हैं मैकॉले की औलाद है। मैकॉले, लॉर्ड मैकॉले थे, 1835 में उन्होंने इंग्लिश एजुकेशन एक्ट लेकर के आए थे। तो हमारे देश पर अंग्रेजों का राज था, तो उन्होंने ये बोला था कि जो उच्च शिक्षा है उसमें हम इंग्लिश में ही पढ़ाएंगे। उच्च शिक्षा मतलब आपने जो भी आप कक्षा 12 के बाद की पढ़ाई है, यूनिवर्सिटीज तो वैसे होती नहीं थी, उच्च शिक्षा में वो लोग पहले हायर सेकेंडरी को भी काउंट करते थे। तो अगर आपको वो पढ़ना है तो आप किसमें पढ़ोगे? इंग्लिश में पढ़ोगे, है ना। और ये 12वीं तक की बात जो है और इंग्लिश में पढ़ने की बात है, ये बहुत ही नई है। और इससे हुआ क्या था मालूम है? इंग्लिश एजुकेशन एक्ट से ही हुआ गया था कि उसके पहले इंग्लिश को भारत में जो हमारे ऊपर हमें गुलाम बना करके बैठे उनकी भाषा की तरह देखा जाता था, लेकिन हमें शिक्षा इंग्लिश में मिलने लगी ना, तो इंग्लिश भारत की एक भाषा बन गई, भारतीयों की भाषा बन गई, ठीक है। तो इस पर हम लोग अलग से बात करेंगे कभी। अभी आपको यहां से क्या समझाना चाहिए कि यार जो शिक्षा में परिवर्तन हो रहा है ना, बहुत तेजी से हो रहा है, बहुत ही तेजी से हो रहा है। आज एक दुनिया में एक इंसान है एलन मस्क नाम के, मैं बहुत बड़ा फैन हूं उनका, बहुत बड़ा फैन। आजकल दुनिया में जो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बिजनेसमैन कोई बोला जाएगा, सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग कोई साइंटिस्ट बोला जाएगा, एक पूरी दुनिया में रॉयल सोसाइटी बोली जाती है, जो सबसे बड़े बड़े साइंटिस्ट की, मैथमेटिशियंस की, फिलोसफर्स की, जो सबसे अच्छा काम करते हैं उनकी होती है, उसमें भी उसके एक ये मेंबर है। और उसके सिर्फ एक ऐसे मेंबर नहीं है, उसमें भी बहुत वेल रिकॉग्नाइज मेंबर है, ठीक। अब ये बंदा क्या बोलता है? ये बोलते हैं कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि आपकी कॉलेज डिग्री कौन सी है, आपने कॉलेज में पढ़ाई की नहीं की, मुझे फर्क नहीं पड़ता, आपको अपना काम आता है, उस काम की मुझे जरूरत है, और आप उस काम को करने को लेकर के पैशनेट हो तो आपको मैं अपनी कंपनी में जॉब दे दूंगा, आपको जॉब के लिए किसी भी कॉलेज डिग्री की जरूरत नहीं, समझ रहे हैं। तो ये क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अभी तक हमारे यहाँ 100-150 साल से एक सिस्टम बना हुआ है कि कॉलेज से, अच्छे कॉलेज से डिग्री, अच्छे कॉलेज से डिग्री, अच्छे कॉलेज से डिग्री, तभी आपको अच्छी नौकरी मिलेगी। अब वो भी टूटना स्टार्ट हो गया है। ऐसा नहीं है कि सारी कंपनीज ने बोल दिया है, अभी मैं एक कंपनी की बात बता रहा हूँ, लेकिन ये पूरी दुनिया में लीडिंग बिजनेसमैन में से एक है। जो लीडिंग बिजनेसमैन है उनमें से एक इंसान ऐसा बोल रहा है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता आप किस कॉलेज से आ रहे हो, ठीक। तो मैं ये क्या बता रहा हूँ कि चीजें बदल रही है बहुत तेजी से, और उसी बदलने में हमारा फिर से घूम करके वापस आ जाते हैं मोबाइल, क्योंकि मोबाइल ऐसी चीज है जो हमारे पास है, जिसको हम यूज कर रहे हैं, और वो सबसे बड़ा परिवर्तन हमारे और हमारे पेरेंट्स की जनरेशन के बीच में आया है हमारी शिक्षा को लेकर के। मोबाइल से मेरा मतलब फिर से इंटरनेट है। अभी उसमें क्या करना है क्या नहीं करना है ये समझिए। तो देखिए, अगर आप वर्स्ट पॉसिबल कंटेंट, हर तरह का कंटेंट है, आपको भी पता है कई चीजें ऐसी हैं जो आपको क्रिमिनल बना सकती है, आप क्राइम करना स्टार्ट कर सकते हो, आप चोरी चपाटी स्टार्ट कर सकते हो, आपको लत लग सकती है। अभी हमारे देश में दुख की बात है, पंजाब जैसे राज्य हैं जहां पर बहुत तेजी से ड्रग्स का काम बढ़ना स्टार्ट हुआ था, पूरा यूथ जो है ना, नौजवान जहर नशों में नशा घोल घोल करके बर्बाद हो गया बहुत सारे लोग, और बहुत सारी चीजें उसमें इंटरनेट के माध्यम से चला करती थी। तो आप बर्बाद हो सकते हो अगर आप में सावधानी नहीं बरती, छोड़ सकते नहीं, चलना है, दुधारी तलवार है, समझ रहे हो। और मैं तो दुधारी नहीं बोलता हूं, इसको बोलता हूं सौधारी तलवार। हर तरफ समस्या है। अगर आपने किसी भी तरह का कीचड़
में सनना स्टार्ट किया, समझ रहे हो, एक बार कीचड़ में सन गया, फिर कीचड़ में दोबारा सनने में शर्म नहीं आती है ना, आपका पैर एक बार कीचड़ में चला जाता फिर लगता है अरे अब तो हो ही गया। और वही चीज है, और इंटरनेट पर तो हर जगह कीचड़ है, आपको पूरे में कीचड़ मिल रहा है, अब आपको बच बच करके चलना है। तो बचने में अगर आप किसी भी तरह के कूड़ा करकट कंटेंट में एक बार फंस गए फिर निकलना बहुत मुश्किल है। और यहां पर आप समझ लो कि आप पहले बोला जाता था यार कि पहले कितनी कठिनाई थी, मैं तो बोलता हूं कि आज के बच्चों के लिए ज्यादा कठिनाई है, क्योंकि आपको बिगड़ने का स्कोप है भाई, आप घर बैठे बैठे बिगड़ सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, तो आपकी जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ जाती है कि आपको बिगड़ना नहीं, किसके लिए नहीं बिगड़ रहे हो, अपने लिए नहीं बिगड़ना है, बाकी किसी का मेरे ऊपर एहसान नहीं करोगे, अपने पेरेंट्स के ऊपर एहसान नहीं करोगे, अपने ऊपर एहसान करोगे, समझ रहे हो। अच्छा, अब आ जाती है बेस्ट पॉसिबल कंटेंट की बात, बेस्ट पॉसिबल कंटेंट को लेकर के हम लोग बात करते हैं। तो मेरी आपसे इतनी उम्मीद तो है कि आप इससे बच जाओगे, अब आप यहां तक पहुंच गए ठीक, अब इसमें क्या क्या समस्या है वो समझिए, ये इंपॉर्टेंट है। यहां तक तो सबको समझ में आता है कि यार इस तरह का कंटेंट नहीं देखना है, सबको पता है, भले ही देखें, भले ही उसमें बर्बाद हो जाएं, भले ही उसमें अपना नुकसान करना स्टार्ट करते हैं, लेकिन उसके बाद भी उनको पता होता है कि ये करना नहीं है। इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको पता नहीं होती। अब बेस्ट पॉसिबल कंटेंट से क्या मतलब है मेरा, बेस्ट पॉसिबल कंटेंट से मतलब ये है कि यार अपने एक चैनल आया करता था बचपन में डिस्कवरी, मैं जाता था तो मेरे घर में दूरदर्शन आया करता था हमेशा, और मेरे पिताजी की पोस्टिंग हमेशा बाहर रहा करती थी, तो जब मैं उनके पास जाता था तो उनके घर में डिश टीवी आती थी, तो हम लोग नेशनल ज्योग्राफी और डिस्कवरी देखते तो बहुत अच्छा लगता था ठीक। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, उस टाइम पर इतना लिमिटेड स्कोप था कि कभी कभी वो सारी चीजें देखने को मिलती थी, तो वो सारी चीजें देखना बहुत अच्छा है। क्यों अच्छा है समझिए, आज आप अगर एनसीईआरटी पर आधारित काम कर रहे हो, किस पर, एनसीईआरटी पर, तो एक हमारे यहाँ पर पढ़ाई में होता है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, कि आपको पढ़ाया कैसे जाए, ये 2004 और 5 में आया था यार, समझ रहे हो, आज से 15 साल पुराना हो गया है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। तो आपकी जो किताब है वो लगभग 15 साल पहले जो सोचा गया था उसके आधार पर लिखी गई, और हमारे एक बहुत महान राष्ट्रपति थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, है ना, बहुत महान इंसान थे, वो ये बोलते थे कि 2020 तक भारत को विकसित देश बना देना है। दुर्भाग्य है हम नहीं बन पाए, लेकिन निश्चित रूप से जो 2005 में हमारा देश था उससे बहुत सारे मायनों में काफी मजबूत हुआ है। अरे बात समझना आपको, तो हुआ क्या है कि पिछले 15 साल में दुनिया बदल गई है, आपकी किताबें नहीं बदली ठीक। अब किताबें बदलने की बात हो रही है, नई जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है, नई एजुकेशन पॉलिसी है, उस पर काम चल रहा है, लेकिन फिर से समझिए कि वो बदल जाएगा फिर अगर 10-15 साल तक कुछ नहीं बदलेगा ठीक। तो अगर आपकी किताबें लगातार नहीं बदल रही हैं, तो क्या आपकी किताबें वास्तव में जो बदलती हुई दुनिया है उसको पूरी तरह से कैप्चर कर पा रही है, नहीं कर पा रही है। लेकिन इंटरनेट तो भाई बहुत ही तेजी से बदल रहा है, हर तरह का कंटेंट आपको मिल रहा है, किस तरह की नई कार आ रही है, किस तरह का नया मोबाइल आ रहा है, किस तरह की नई टेक्नोलॉजी आ गई है, कैसे तरह के सैटेलाइट्स भेजने लगे, नैनो सैटेलाइट्स क्या होते हैं, नैनो टेक्नोलॉजी क्या है। अभी 2 या 3 साल पहले जब मैं आईएएस की तैयारी कर रहा था, उस साल हम लोगों ने पढ़ा था नोबेल प्राइज मिला था, तो नोबेल प्राइज जिसको केमिस्ट्री में मिला था उन लोगों का क्या था कि वो मॉलिक्यूलर लेवल पर दवाई इंजेक्ट कर सकते हैं, मतलब एक छोटा सा मॉलिक्यूल है वहां पर जा करके दवाई भेजी जा सकती है, समझ रहे हो। बहुत ही बड़ा एक रिवोल्यूशनरी आइडिया है जो बहुत दिन से चल रहा है लेकिन वो कर पा रहे हैं हम लोग। तो ऐसी ऐसी चीजें आपको कैसे पता चलेंगी, इंटरनेट से पता चलेंगे, इंटरनेट से ही पता चलेंगी। और इन सब का आइडिया लेना जरूरी इसलिए है क्योंकि अदरवाइज आप दुनिया में चल क्या रहा है वो समझ नहीं पाओगे ठीक है। लेकिन ये काम कि अपने को 24 घंटे में 8 घंटे तो सो गए, 2 घंटे कुछ और कर लिया, रोजमर्रा के अपने काम निकल गए, बचे हमारे पास कितने 14 घंटे में आपका 8 घंटे स्कूल आना जाना हो गया, बचे 6 घंटे में आपने 3 घंटे होमवर्क में लगा दिया, उसके बाद बचे 3 घंटे में आप 1 घंटे खेलोगे कूदोगे व्यायाम करोगे कुछ भी करोगे, अब बचा 2 घंटे में जो 2 घंटे बचे हैं आप पूरे इंटरनेट में दे दोगे क्या, इंटरनेट में मतलब यही सब देखने में, डिस्कवरी पर देख लिया सबसे बड़े मेगा इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स कौन कौन से थे, है ना, जैसे 3 गॉर्जेस डैम है चाइना का, बहुत बड़ा डैम है, तो इस तरह के प्रोजेक्ट्स वगैरह आप देखते हो तो उससे आपको बहुत सारी चीजों का आइडिया लगेगा, जो देखना कहीं से बुरा नहीं है। लेकिन समस्या क्या है यार, यहाँ पर समस्या आपकी नहीं है, यहाँ पर समस्या सिस्टम की है, समझना। समस्या ये है कि आपको अच्छे कॉलेज जाना है और अच्छे कॉलेज के लिए एक होता है एंट्रेंस, और एंट्रेंस में जो आपसे पूछा जाता है वो आपके करिकुलम में क्या है वो पूछा जाता है, समझ जाओ। आपको जो बताया गया है कि हम ये पूछेंगे आपसे और वही आपको पढ़ना है, आप भले ही कुछ दूसरा काम अच्छा चलने लगो, जैसे आपको मान लीजिए तलवार चलाना बहुत अच्छे से आता है, लेकिन वहां पर बोला जाना नहीं जो कॉम्पिटिशन है वो तो आर्चरी का होगा, आपको धनुष बाण चलाना आना चाहिए, और आपको तो तलवार चलाना आता है और आपको तलवार चलाने में मजा भी आ रहा है, लेकिन बोला जा रहा ना हमें तो लेना ही नहीं है, हमें तो जो पढ़ाया गया आपकी किताब में लिखा हुआ है वही पूछेंगे, समझ रहे हो। तो वहां पर एक बहुत बड़ा भाई चल रहा है, वो भाई आता है रंगबाजी में बैठा हुआ, बोलता नहीं यही पूछेंगे, इसी से आएगा, इसी से तुम्हारे रिजल्ट बनाएंगे, इसी से तुम्हारे ऊपर ठप्पा लगाएंगे, इसी से तुम अच्छे कॉलेज में जाओगे, समझ रहे हो। तो वहां पर हमारी मजबूरी है,
लेकिन वो मजबूरी बहुत खराब नहीं है। जो भाई है वो हमारा बेवकूफ नहीं है, वो भाई जो है वो पूरा एजुकेशन सिस्टम है, और वो हमें क्या बता रहा है, उस भाई को भी बहुत जिम्मेदारी से बहुत बड़े जो एजुकेशनिस्ट ने उन्होंने बनाया, और उन्होंने ये सोच करके बनाया कि ये सारी चीजें हमको पता हो। तो ऐसा नहीं कि उसमें जो कुछ हमें बताया जा रहा है वो गलत है, बहुत कुछ ऐसा जो हमारे पूरी दुनिया को देखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कक्षा 10 तक की पढ़ाई जो है ना वो हमें दुनिया में दुनिया कैसे चल रही वो देखने के लिए बताई जाती है। सब कुछ पढ़ते हैं हम, इतिहास पढ़ते हैं, भूगोल पढ़ते हैं, सारी चीजें पढ़ रहे होते हैं। स्पेशलाइजेशन कक्षा 11 और 12 से स्टार्ट होता है, तो कक्षा 10 तक की जो पढ़ाई है ना वो क्या करती है हमारे लिए, वो हमें पूरी दुनिया को देखने का नजरिया दे रही होती है, जो इन इटसेल्फ बहुत अच्छा है। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा, लेकिन हो सकता है कि कुछ नई चीजें आई जो उसी फील्ड में अच्छी हो गई है, वो हमारी किताब में नहीं है, अब वो हमसे पूछी भी नहीं जाएगी, लेकिन वो जानना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और वो हमें मिल रही है फ्री में हमारे लिए लगभग। अब जब मैं फ्री बोलता हूँ तो फ्री क्यों बोलता हूँ आपको समझ में आएगा। देखिए, अच्छा वो भी समझा देता हूँ। 7-8 हजार रुपए में बहुत अच्छा मोबाइल आ जाता है। मान लीजिए आपने 7,300 रुपए का मोबाइल खरीदा, कम से कम 2 साल चलाओगे, ठीक है, अनलेस आप बहुत ही ज्यादा लापरवाह इंसान नहीं हो जैसे पानी में फेंक दिया, तो आप 2 साल चलाओगे, और 5 रुपए में आपको लगभग 1.5 जीबी डेटा मिल जाता है रोज का। 1.5 जीबी डेटा बहुत ज्यादा है। अगर आप 1.5 जीबी डेटा से ज्यादा यूज कर रहे हो तो समझ लो कि आपकी प्रॉब्लम है लाइफ में, क्यों उस सारा समय आपको मोबाइल पर देना ही नहीं है। अगर आप 1.5 जीबी से ज्यादा मोबाइल पर डेटा यूज करके खत्म कर दे रहे हो, इसका मतलब है कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है। ये मिल जाता आपको 5 रुपए में, आपने 2 साल चलाया, 2 साल में दिन होते हैं 730, तो 10 रुपए आपका रोज मोबाइल का खर्चा है, 5 रुपए आपका डेटा का खर्चा है, आपका 15 रुपए रोज में आपको बेस्ट टीचर्स पूरी दुनिया भर के पढ़ाने के लिए बैठे हुए हैं। तो 15 रुपए में आप समझ लीजिए कि दुनिया की सबसे अच्छी चीजें आपको मिल सकती है, सबसे खराब भी मिल सकती है, वही कैच है। अब वापस आ जाते हैं, वापस मैं आपको क्या बता रहा था कि जब आप लोगों को ये पता है कि करिकुलम से ही चीजें पूछी जाएंगी, तो आपको ज्यादातर समय कक्षा 9 से 12 के बीच में, मैं पहले ऐसा नहीं बोलता, जो बच्चा होता है ना तो उसको बहुत कुछ एक्सप्लोर करना चाहिए, मैं बोलता हूँ सारे पेरेंट्स को भी बोलता हूँ कि कक्षा 8 तक बच्चों को खेलने दो, डिस्कवरी देखने दो, नेशनल ज्योग्राफी देखने दो, कुछ भी करने दो, एक्सपेरिमेंट्स करने दो, और आप उनको देखते रहो, ऐसा एक्सपेरिमेंट करो कि हाँ हाथ जला करके बच्चे आ गए। लेकिन कक्षा 9 से 12 इंपॉर्टेंट क्यों यार, क्योंकि ये हमारी वो नींव है जो हमें अच्छे कॉलेज भेजती है। कॉलेज के बाद से आप खुद से एक्सप्लोर करोगे, कॉलेज के बाद तो आपको पेरेंट्स पकड़ भी नहीं पाएंगे, आप खुद से इंडिपेंडेंट हो जाओगे, उसके पहले आप पेरेंट्स की देखरेख में एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हो। कक्षा 9 से 12 इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप आगे जाकर के खुद से अच्छी तरह से एक्सपेरिमेंट कर पाओ, वो घर बना रहे होते हो जिस घर में आप एक्सपेरिमेंट कर पाओगे, वो घर का मतलब है कि आप अच्छे कॉलेज पहुंच पाओगे। समझ रहे हो अच्छे कॉलेज की क्या इंपॉर्टेंस है। अभी इलॉन मस्क साहब ने तो बोल दिया कि उनको डिग्री की जरूरत नहीं है, लेकिन अच्छे कॉलेज की बहुत जरूरत है। आज मैं ये जो कुछ भी काम कर रहा हूं ना, बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, धीरे धीरे लोगों का सपोर्ट मिलना स्टार्ट हुआ, आप विश्वास नहीं करेंगे मेरे दोस्तों ने मेरी बहुत मदद की है। और मेरे दोस्त कहां से बने, मेरे कॉलेज से बने, कॉलेज के पहले थोड़ी जानता था उनको। अब मैं बिट्स प्लानिंग गया, बिट्स प्लानिंग में मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो आईएएस ऑफिसर्स हैं, कोई आईपीएस ऑफिसर है, वो लोग ही मुझे मदद कर रहे हैं। कुछ मेरे ऐसे दोस्त हैं जो पूरे दुनिया में मेन हेड ऑफिस है फेसबुक का, वहां पर काम कर रहे हैं, अमेजोन का मेन ऑफिस है सिएटल में अमेरिका में, वहां पर काम कर रहे हैं, तो वो लोग मुझे मदद कर रहे हैं। और उन लोगों की मदद के साथ साथ उससे भी ज्यादा अच्छी चीज है कि जब मैं कॉलेज में था तो उन लोगों से वो आइडियाज मिलते थे। आप एक नेक्स्ट लेवल पर बात कर रहे होते हो, आपको समझ में आ रही होती चीजें, क्योंकि आप देखो होता क्या है ना, जिन 5 लोगों के साथ आप रहते हो, ये भी मेरे एक दोस्त का स्टेटमेंट है जो बहुत हद तक सही है, वो बोलता है जिन 5 लोगों के साथ आप रहते हो आप उनका एवरेज बन जाते हो। समझ रहे हो। एक कहानी आती है, खैर वो बाद में बताऊंगा मैं आपको, एक वैज्ञानिक थे उनकी कहानी थी। अभी आप समझ लीजिए कि हमेशा ऐसा होगा, तो संगति अगर आपकी अच्छी हो जाएगी, आप भले ही कई बार ऐसा होता है, आईटीज की बात कर रहा हूँ, बिट्स की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर लोग नहीं जाते क्लासेस, लेकिन उसके बाद भी जो डिस्कशन हो रहे होते हैं ना, वो डिस्कशन आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ा रहे होते हैं, आपका इंटेलेक्चुअल लेवल बढ़ा रहे होते हैं, आपको चीजें देखना स्टार्ट हो जाती हैं, और वो आपको तभी मिल पाएगा जब आप कक्षा 9 से 12 तक की पढ़ाई ठीक से करोगे। आगे बात समझ में, तो कक्षा 9 से 12 में जो आपको पढ़ने को कहा गया है उस पर ज्यादा समय देना है। ये करना है नेशनल ज्योग्राफी, हिस्ट्री चैनल, ये सारी चीजें देखनी है ना, लेकिन 2 घंटे आपके पास बच रहा है भाई, तो आधे घंटे देख लो, ये आपके खुद को दुनिया को देखने का जो आपका मन कर रहा है वो काम कर रहा हूं। 1.5 घंटा तो कम से कम जो आपको स्कूल जाने वाले दिन की बात बता रहा हूं, वो आपको फोकस रह करके अपने करिकुलम को देखना है कि आपका सब्जेक्ट कौन पढ़ा रहा है, इसी पर आपको जज किया जाएगा। आपको किया ही नहीं जाएगा कि आपको कितना अच्छा पता है कि कई नई टेक्नोलॉजी कौन सी आ गई है। अभी कोरोना वायरस चल रहा है, इस पर नई वैक्सीन कैसे बन रही है, कहां पे बन रही है, वैक्सीन क्या होता है, वैक्सीन एक्चुअली काम कैसे करती है, सबसे पहले किसने वैक्सीन बनाई थी, ये सब आपको पता चल रहा होगा। बहुत सारे लोगों जिसको जो समाज के लिए अच्छा करना चाहते हैं, किसी को लग रहा है कि यार क्यों नहीं बन पा रही, मैं बनाऊंगा,
आगे को कोई प्रॉब्लम आएगी मैं करूंगा सॉल्व, तो वो ये सारी चीजें पढ़ रहा है लेकिन वो नहीं पूछा जाएगा, वो पूछा ही नहीं जाएगा, पूछा आपका करिकुलम जाएगा, समझ रहे हो। इसलिए अपने को क्या समझ आ गया कि हमें मेन काम अपने करिकुलम पर करना है। अगर हमें अच्छी जगह जाना है तो अच्छी जगह चले जाओगे, फिर आप हाथ कर चलाओ, फिर खेलो कूदो, जो करना है करो, एक्सप्लोर करो, आपको जो काम करने का मन है वो करो, और वहां पर करिकुलम में अब फिर से नीचे जा जाती है। तो ये एक ऐसी चीज से आपको समझ में आना चाहिए, वर्स्ट पॉसिबल कंटेंट तो आप छोड़ दोगे, बेस्ट की तरफ जाओगे। बेस्ट में आपको करिकुलम बेस्ड भी मिल रहा है और नॉन करिकुलम बेस्ड भी मिल रहा है, ये भी जरूरी है, लेकिन इस पर समय कम लेना है।